ब्रेकफास्ट हमारे रूटीन का सबसे पहला फूड होता है और ये फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आप भी ब्रेकफास्ट तो करते ही होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रूटीन में वही ब्रेकफास्ट डेली डेली करते करते हम बोर हो जाते हैं और उसके बाद हम स्किप करने लग जाते हैं या फिर हम कुछ रेडी टू ईट या कुछ नॉनसेंस टाइप का फूड ले लेते हैं। सो आज के एपिसोड में आप लोगों के लिए कुछ अमेजिंग आइडियाज़ हैं जो बेस्ड हैं स्टडीज़ पर, जिसमें कि इंडियन प्लांट बेस्ड फॉर्मूला है ब्रेकफास्ट के लिए, जो सुबह सबसे पहले आपको ढेर सारी एनर्जी, ढेर सारा न्यूट्रिशन देने वाला है और हार्मोनल इंबैलेंस को बीट करेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल पे। तो आइए आज के हम ब्रेकफास्ट आइडिया जो कि इंडियन प्लांट बेस्ड डाइट पर है और ये सारे आइडियाज टेस्ट में भी अमेजिंग है और सबसे हेल्दी हैं, इसको आप सेहत के साथ साथ स्वाद का भी मजा ले सकते हैं। तो वो क्या आइडियाज हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि जो मूंग की दाल होती है, चाहे आप ग्रीन मूंग ले लें, चाहे आप वॉश्ड जो मूंग होती है, येलो मूंग, मोकर जिसको कहा जाता है, वो ले लें, उसको आप भिगोकर उसका डोसा बना सकते हैं, फर्मेंट करके उसका चीला बना सकते हैं। आप अगर चाहें कि थोड़ा उसको और हैवी करना है, पेट भरने जैसा होना चाहिए, तो आप उसमें वेजिटेबल्स, कैप्सिकम, अनियन, टमाटो वगैरह की फिलिंग पनीर के साथ में ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, इसके साथ आप चटनी सर्व कर सकते हैं, जो भी आपके लिए ईजी हो बनाना। दूसरा सबसे पॉपुलर इंडियन ब्रेकफास्ट वो है पोहा। लेकिन पोहा कैसे? पोहे में आपको कई सारी वेजिटेबल्स ऐड करनी है, जितना पोहा उसका 40% लगभग वेजिटेबल आपको उसमें ऐड करना ही करना है, क्योंकि पोहा जब आप प्रिपेयर करते हैं थोड़ा सा ड्राई होता है, उसके साथ हमें कुछ फ्रूट जरूर लेना चाहिए। तो आप सीजनल कोई भी जूस ले सकते हैं, कैरेट बीट रूट जूस ले सकते हैं, ऑरेंज जूस ले सकते हैं, या कोई हल्की फुल्की स्मूदी बना सकते हैं। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। वेजिटेबल बेस्ड डाइट प्लान है तो हमें वेजिटेबल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिल जाते हैं और एक तरह से पावर पैक होता है वो हमारे लिए। तो ढेर सारी वेजिटेबल्स को ऐड करके आप वेजिटेबल कटलेट बना सकते हैं, बहुत ईजी है, स्टीम कर लें और कटलेट प्रिपेयर कर लें, इसके साथ कोई भी चटनी आप साथ में ले सकते हैं। कई लोगों को ब्रेकफास्ट अच्छे से पराठा पूरी इस तरह से खाने की हैबिट होती है, तो उनके लिए भी आइडिया है हमारे पास। आप कुछ भी पत्तेदार सब्जियां ले लें, जैसे मेथी है, बथुआ है, पालक है, जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है, या फिर लौकी को ग्रेट कर लें और मल्टीग्रेन यानी कि आप रागी का, ज्वार का, बाजरे का कोई भी आटा ले लीजिए और उसमें उसका वेजिटेबल को ग्रेटेड फॉर्म में लेकर डो प्रिपेयर कर लीजिए, थेपला पराठा आप उसका बना सकते हैं। मिलेट्स और वेजिटेबल्स का ये एक बड़ा ही अमेजिंग हेल्दी ऑप्शन होता है, इसके साथ आप चटनी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। दलिया, सुबह की शुरुआत दलिए के साथ एक बड़ी खूबसूरत शुरुआत होती है, बहुत ही हेल्दी होती है, क्योंकि एक ये एपेटाइजर की तरह काम करता है, डाइजेशन को भी अच्छा रखता है, फाइबर बहुत अच्छा होता है और इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो दलिया हमें किससे बनाना है, यही खास बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि बाजरी, ज्वार, रागी, कोई भी अलग अलग तरीके का आप दलिया घर में रखें, चाहे आप अलग अलग कंटेनर्स में रखें, बनाते वक्त मल्टीग्रेन बनाना हो तो आप कईयों को थोड़ा थोड़ा मिला लीजिए, केवल बाजरी का बनाना है तो थोड़ा बाजरी का दलिया लिया, थोड़ी सी ग्रीन मूंग दाल ली। याद रखें, जब भी आप दलिया बनाते हैं उसको ग्रीन मूंग दाल के अंदर बनाएं, कॉम्बिनेशन में बनाएं, इसके साथ दलिया का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें आप थोड़ा कर्ड ऐड कर सकते हैं, इसके साथ आप छाछ ले सकते हैं, थोड़ा सैलेड ले सकते हैं। इस तरीके का दलिया यूट्रस के लिए बहुत अच्छा होता है और लीवर डाइट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कई बार हम जल्दी में होते हैं और हमें इतना कुछ पकाने का वक्त नहीं होता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो आपके घर में ग्लूटेन फ्री ओट्स जरूर होने चाहिए। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ग्लूटेन फ्री ओट्स का लिंक देख सकते हैं और उसको परचेस कर सकते हैं। तो ओट्स अगर आपके पास है तो थोड़ा सा फ्रूट ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, अगर मिल्क ले पाते हैं तो थोड़ा मिल्क ऐड कीजिए, थोड़े से डेट्स ऐड कीजिए और एक परफेक्ट स्मूदी प्रिपेयर कर लीजिए, जिसको कि आप रास्ते में ट्रैवल करते करते भी ले पाएंगे और एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होगा, काफ़ी देर तक पेट को भरा रखेगा और इसमें न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा है। ओट्स अपने आप में कार्ब, प्रोटीन और आयरन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है और ये आपको बहुत अच्छा एनर्जी देता है। अगर टेस्ट चेंज करने की बात है तो वीकेंड है या फिर आप टेस्ट चेंज करना चाहते हैं तो बेसन लेना है आपको और उसमें कोई वेजिटेबल, सूटेबल वेजिटेबल जैसे कि लौकी हो सकती है, पालक हो सकता है, उसके अंदर चॉप करके डाल सकते हैं, ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो वेजिटेबल के साथ बेसन का डो प्रिपेयर करें, मुठिया प्रिपेयर करें, स्टीम कर लीजिए, उसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए और चटनी के साथ आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ग्लूटेन फ्री ऑप्शन है, पीसीओडी एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। नाश्ते में और चने की बात ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो छोले, चिक पीस या काले चने,
आप बॉईल कर लें, रात को भिगोएं, सुबह 2-3 सीटी लगा के हल्दी नमक ऐड करके उसको स्टीम कर लें, बॉईल कर लें। इसके बाद उसकी चाट आप प्रिपेयर कर सकते, थोड़ी वेजिटेबल डालें और कुछ फ्राइड आइटम हमको उस पर यूज़ नहीं करना है, वेजिटेबल्स अपने आप क्रंच आता है, साथ में थोड़ी ग्रीन चिलीज, हरा धनिया, थोड़ी सी कर्ड के साथ आप इसका एक परफेक्ट चाट सर्व कर सकते हैं। पूरे फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगा और ये बहुत ही हेल्दी होता है, प्रोटीन रिच है। जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं जो वेट लूज करना चाहते हैं, PCOD है, सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, जो भी इश्यूज आ रही हैं इनफर्टिलिटी में, उन सभी में ये मॉर्निंग का जो पहला फूड है ये आपको बहुत हेल्दी रखेगा, बहुत फिट रखेगा, बहुत एनर्जेटिक रखेगा। अगर आप इनमें से कुछ चीज़ें ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिल सके। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।